दिनेश लाल नीरा के साथ में ऑलरेडी अविनाथ से राजनेता एक मूवी हमने साइन कर चुके हैं, केशरी लाल यादव से प्रोडक्शन 2 हो चुका है, थर्ड बाकी था पवन जी के साथ। ये दिवाली की टॉप न्यूज ये आने वाला है, पवन जी के साथ हम दिसंबर में मिड दिसंबर तक हम पवन जी के साथ काम शुरू करते हैं करने वाला है। मिट्टी का आइकॉनिक अवार्ड आपको मिला है, किस तरह की जर्नी रही आपकी और ये अवार्ड पाकर कितना प्रेशर आप अपने आप में महसूस करते हैं? मिड्डे की अवार्ड मिलकर बहुत ही अच्छा लगा हमें, और मिड्डे हमें रिकॉग्नाइज किया है, एक्नॉलेज किया है हमारी काम करने की तरीका, हमारी एज एंटरप्रेनर एंड प्रोड्यूसर हमें रिकॉग्नाइज किया है आइकॉनिक, तो बहुत ही अच्छा लगा है। हाल ही में आपने क्रूज इवेंट स्पॉन्सर किया था, किस तरह का अनुभव रहा और किसी इवेंट को स्पॉन्सर करने के लिए आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? क्रूज हमारे इससे पहले भी हमने स्पॉन्सर कर चुके थे, क्रूज पार्टीज वगैरह हम करते रहते, ऑर्गेनाइज करते रहते टीम इनोवेशन के साथ, सनवन के साथ, गोवा में, अदर लोकल प्लेसेस में, तो क्रूज बहुत ही अच्छा रहा हमारी और हमारी कंपनी की आईवेरा स्पॉन्सरशिप, पहले जमीन में था, अभी जल के ऊपर भी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट हर जगह देखने लगे। सर, भोजपुरी का 3 बड़े स्टार को आपने साइन किया, इतने बड़े कोई प्रोड्यूसर पहला प्रोड्यूसर है इतने बड़े स्टार को आपने साइन किया, क्या अनुभव रहा तीनों के साथ में? आपने आईफोन भी गिफ्ट किया ऐसा सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो गया। ये तो सिर्फ 3 स्टार को हम अलग अलग साइन किया, हमें नेक्स्ट ईयर में ये आप लोग को देखने के मिलेंगे, इन वन सिंगल मूवी 3 स्टार्स टुगेदर वर्क करने के देखने के लिए मिल जाएगा आपको। ऑफकोर्स मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि इंडस्ट्री में इनके जैसे, अशोक जी जैसे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हमारे साथ में जुड़े, इंडस्ट्री के साथ जुड़े, ताकि हम लोगों की जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मूवी बन सके, और इंडस्ट्री को ऐसे ही प्रोड्यूसर की ज़रूरत रहती है कि यू नो, हम लोग इनके साथ ही काम करते हैं और इनके साथ ही हम लोग चमकते हैं, और बहुत अच्छा फील होता है कि जब कोई अच्छा इंसान हमारी इंडस्ट्री में आता है और जुड़ के हमारे साथ काम करना चाहता है, तो रियली आई ग्रेटफुल। और इन्होंने इतने अवार्ड जीते हैं और इतनी इनके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी है, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आपको सर। रियली आप बहुत आगे जाओ, अच्छे से बहुत ऊपर जाओ, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इंडस्ट्री हो, आप मेरी हमेशा आपके साथ में ब्लेसिंग है। नमस्कार, मेरा नाम शिरीन परवीन है, और अशोक जी नए नए अभी आए हैं इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, एक बहुत अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं, और अभी इनको जो मीटे का अवार्ड मिला है, तो मुझे लगता है कि इनका जो बिज़नेस करने का तरीका है और जो आगे जो इनकी ग्रोथ हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, और इंडस्ट्री में एक नया प्रोड्यूसर अगर आएगा तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमें और ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा और अच्छे मौका, अच्छा रोल करने का हमें मौका मिलेगा, शायद कुछ नई स्क्रिप्ट इनकी तरफ से आए और हमें काम करने का अच्छा मौका मिले और बढ़िया, और इनके साथ साथ हम भी आगे बढ़ें। तो मैं इनको सबसे पहले अशोक जी को बधाई दूंगी आपको मीटे अवार्ड के लिए। थैंक यू सो मच। पहले तो इधरा जो हमारी कंपनी है, मैं इस कंपनी का पार्ट हूँ, तो मैंने अशोक प्रसाद अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खेसारी लाल जी का जो फिल्म हम लोगों ने प्रोडक्शन नंबर 2 अनाउंस किया, तो मैं उसका निर्देशन मैं कर रहा हूँ, और जो नेता से अभिनेता, राजनेता अभिनेता जो हमारी फिल्म है, जिसमें हमारे दिनेश लाल यादव निधोवा जी हैं, तो उनके संतोष जी हैं, और पवन जी की भी फिल्म एक अनाउंस हुई है, तो मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू। एक हंगामा भोजपुरी इंडस्ट्री में लाने के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, ये तो शुरुआत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबका मुझे लगता है सबका एक अलग अलग हो रहा है, एक दूसरा से कंपेयर, सब ऑल सारे लोग अपना जगह सब ठीक है, सब अच्छे लोग है, सबका अलग अलग एंगल है, अलग अलग हो रहा है। किशोर जी बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत पैशनेट है काम के लिए, पवन जी बहुत इमोशनल है, ब्रदरहुड बहुत अच्छा लगा, एंड दिनेश लाल नीरा जी बहुत कंफर्टेबल इंसान है, बहुत फ्लेक्सिबल इंसान है, तो सारे लोग अच्छे हैं, सबका अलग अलग है।
शिल्पी क्या कहना चाहोगे, शिल्पी क्या कहना चाहोगे सर के मतलब सर जो इंडस्ट्री में मतलब रख रहे हैं? थैंक यू। सबसे पहले तो अशोक जी का बहुत नाम सुना है और आपको आपके अचीवमेंट की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। मैं तो इतने सारे प्रोजेक्ट सुन के खुद एक्साइटेड हो गई हूँ कि मैं भी एक अभिनेत्री हूँ तो मुझे भी सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और सर जैसे प्रोड्यूसर अगर मार्केट में आएंगे तो मेरे जैसी काफ़ी जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनको भी बहुत सारा मौका मिलेगा। तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाला साल आपका बहुत शुभ हो और ये दिवाली आपके लिए बहुत शुभ हो। थैंक यू। थैंक यू। पहले सभी मीडिया वालों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं मनीषा लिखा एंड कंग्रेचुलेशन टू अशोक जी एंड पूरा टीम को इनका एंटायर टीम। आई वांट टू कंग्रेचुलेट टू द एंटायर टीम ऑफ दिस कंपनी बिकॉज दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। दे आर मेकिंग सो मेनी फिल्म्स इन भोजपुरी इंडस्ट्रीज एंड आई थिंक यू विल मेक इन बॉलीवुड मराठी एंड बंगाली। वी हैव अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग सो हम लोग इस प्लान का इंतज़ार कर रहे हैं। और अचानक से कुछ दिन पहले एक धमाका आया, मैंने बोला क्या धमाका हो रही है, तो मैंने सुना एक ऐसा प्रोड्यूसर आए हैं जो चारों तरफ धमाका करने वाले हैं। सो वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू सी द धमाका एंड ऑलरेडी आप लोग धमाका देख चुके हैं कि उन्होंने काफ़ी सारे डायरेक्टर एंड स्टार्स को साइन कर चुके हैं। सो होप फॉर द फेयर बेस्ट।